तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश मोहर। दोस्तों आप देख सकते हो आज हम आउटडोर प्लास्टर कर रहे हैं। दोस्तों ऊपर देखते हमने कर लिया, काफी लंबी दीवार है दोस्तों, तो इसका प्लास्टर कैसे किया जाता है दोस्तों, अगर आप नए मिस्त्री हो दोस्तों तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को बने टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना दोस्तों, अच्छे तरीके से दोस्तों गोल गोल चढ़ा लेना, गोल चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको मसाला लेना और मसाले को आपको इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से छाप लेना, ऐसे ऐसे लेना और इस प्रकार से आपको मसाले को छापना है ऐसे, इस प्रकार से मसाला लेना दोस्तों और ऐसे आपको इस प्रकार से चिपका देना इस प्रकार से दोस्तों। जब सफाई करो दोस्तों, सफाई आपको बिल्कुल एक लेवल में करनी है, आपको जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको मसाला लेना दोस्तों और ऐसे आपको छाप देना इस प्रकार से, ऐसे आपको मसाला लेना और ऐसे आपको छाप देना दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं, सफाई करने में क्या दोस्तों, इस प्रकार से आपको आराम आराम से दोस्तों मसाला लेना और आपको एक लेवल में दोस्तों सफाई करते जाना इस प्रकार से, हाथ को थोड़ा दोस्तों ऊपर की ओर थोड़ा आपको हाथ को थोड़ा दोस्तों खिंचाव देना इस प्रकार से दोस्तों। आउटडोर प्लास्टर करें दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा गर्म मसाला छापना, गीला मसाला छापते जाना जिस प्रकार से गीला छापते हैं, ऐसे आपको मसाला छापते जाना इस प्रकार से, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख जाओगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं जब तक पूरी दीवार को छापता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों छपाई कर दी और छपाई दोस्तों बिल्कुल एक लेवल में करी, आप देख सकते हो पेट हमने वहां तक मैं दोस्तों छापी है, वो दोस्तों हमने ऊपर से भी इसको नीचे उतारा दोस्तों। अब इसके ऊपर फंटी कैसे मारते, जो खासतौर पर जो नए मिस्त्री होते हैं दोस्तों उनको फंटी मारा नहीं आता, हालांकि दोस्तों मैंने इतनी सारी वीडियो बना दी लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करते हो कि फंटी कैसे मारे, फंटी कैसे मारे, तो आज आप फंटी अच्छे से सीख लो दोस्तों। ऊपर हमने आज प्लास्टर कर दिया ठीक है दोस्तों, आपको फंटी को इस प्रकार से ऊपर जो फंटी का ऊपर वाला मुंह होता है दोस्तों उसको पहले इस प्रकार से करना और ऊपर का प्लास्टर से आपको इस प्रकार से मिला देना, इस प्रकार से ऊपर से मिलने के बाद दोस्तों आप देखिए ऊपर मिल गया, फिर बाद में आपको इस प्रकार से इसको नीचे से आपको इस प्रकार से माल मसाले को काटना है इस प्रकार से। आपके पास में दोस्तों इस चीज को क्या बोलते हैं, हमारे पास हम इसको निशान बोला जाता है दोस्तों फंटी का, तो आपको इस प्रकार से फंटी का निशान आराम से बना लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मतलब हमने एक तरफ दोस्तों फंटे का निशान इस प्रकार से बना दिया दोस्तों, क्या ऊपर जो दोस्तों हमने ऊपर वाले प्लास्टर से मिला दिया और नीचे तक आप देखते हो हमने फंटे का निशान बना दिया। अब आपको इस प्रकार से फंटे को नाप के देखना है कि आपकी फंटी दोस्तों कहाँ तक आएगी, फिर आपको दोस्तों बाद में फिर आप इस ऊपर वाला मोह दोस्तों इसको आपको ऊपर इस प्रकार से आपको ऊपर वाले प्लास्टर से आपको इस प्रकार से मिला देना है, ऊपर मिलने के बाद दोस्तों आपको नीचे इस प्रकार से आपको मसाले को काटना है बराबर, आपको मिलाइए आधा इंची प्लास्टर ले देना ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से आपको मसाले को काट देना ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको फंटी को इस प्रकार से हिलाना और निशान बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा एक निशान और बन गया और एक हमारा हो गया, तो कुछ खड़ा है तो निशान तो हमारे हो गए। अब हम इसको इस प्रकार से फंटी को चलाएंगे दोस्तों, यहाँ से आपको इस प्रकार से एक बार तो आपको ऐसे निकाल लेनी दोस्तों, ऐसे इस प्रकार से ऐसे आपको इस प्रकार से निकाल लेनी है दोस्तों, फिर बाद में आपको निशानों को आपको मिलाते हुए आपको फंटी को इस प्रकार से आपको निकाल लेंगे दोस्तों, इस प्रकार निशान दोस्तों ध्यान रखें, आप निशान नहीं कटनी चाहिए, निशान आपके नहीं कटनी चाहिए दोस्तों ठीक है, नीचे से भी आपको इस प्रकार से इन निशानों से मिला के आपको फंटी निकालेंगे, जब तक दोस्तों आपके निशान नहीं कटेंगे आपका पूरा फंटी माल दोस्तों पूरा फंटी में रहेगा, निशान कट गए दोस्तों तो आपका जो प्लास्टर दोस्तों ही बिगड़ जाएगा पूरा, इस प्रकार से आपको निकाल लेना और ऊपर की साइड आपको इस प्रकार से आपको इन निशानों से मिला के दोस्तों आराम आराम से फंटी को इस प्रकार से फंटी निकाली, इधर की साइड भी आपको इस प्रकार से फंटी निकालने में क्या दोस्तों, इस प्रकार से आपको फंटी पूरी निकालेंगे दोस्तों इस प्रकार से, ऐसे आपको पूरे में दोस्तों फंटी निकाल लेनी है और ऊपर की साइड दोस्तों अभी मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं तो मैं आपको दिखाता हूं, ऊपर की साइड आपको इस प्रकार से प्लास्टर से आपको इस प्रकार से मिला देना, निशान दोस्तों ये कटने नहीं चाहिए हमारी, इस प्रकार से आपको फंटी को चलाना,
दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो पूरा मसाला दोस्तों पूरा प्लास्टर दोस्तों फंटी के अंदर है, इसलिए दोस्तों हमारा फिर बाद में आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है दोस्तों। आप देख सकते हो हमारा पूरा मसाला दोस्तों फंटी मतलब चिपक रही है दोस्तों इसके, आप देख सकते हो इधर दोस्तों, आप देख सकते हो हमने मतलब पूरा मसाला दोस्तों हमारा फंटी इस प्रकार से आपको आवाज आनी चाहिए, मतलब फंटी बीच में दोस्तों मतलब टर्न ही नहीं चाहिए, मैं कहने का मतलब पोल ही नहीं रहनी चाहिए, इस प्रकार से आपको पूरा दोस्तों फंटी में हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा पूरा मसाला दोस्तों फंटी में हो गया। अब ऐसा होता है दोस्तों हम इधर भी करेंगे दोस्तों, जिधर भी साइड में करेंगे तो यहाँ पर मैं फंटी को नाप लेता हूँ इस प्रकार से, और इस प्रकार से दोस्तों मैं ऊपर वाले प्लास्टर से इस प्रकार से मिला दूंगा, पहले मिलाने के बाद दोस्तों नीचे इस प्रकार से निशान कर दूंगा। दोस्तों निशान मारा हो गया, अब आपको वैसा वैसा दोस्तों इधर की साइड में आपको फंटी इस प्रकार से निकालनी है, इधर आपको इस जो मैंने पहले फंटी निकाली है उससे आपको मिला के निकाल लेंगे, और इधर हमने निशान से आपको मिलाते हुए इस प्रकार से फंटी को निकाल लेंगे इस प्रकार से दोस्तों फंटी निकाल लेंगे इसे आराम आराम से। माल दोस्तों आपको कटना नहीं चाहिए, माल कट गया दोस्तों तो फिर आपको जो बाद में रुसा है दोस्तों वो सही से काम नहीं करेगा आपका, और ऊपर की साइड आपको इस प्रकार से फंटी को आराम से नीचे की तरफ इस प्रकार से खींचना, इस प्रकार से आपको फंटी को और नीचे की साइड दोस्तों आपको इस प्रकार से आराम आराम से फंटी को चलाना है इस प्रकार, इधर निशान दोस्तों हमारे निशान रखने दोस्तों इस प्रकार से आपको निशान को आपको ध्यान रखना, ऊपर की साइड दोस्तों मैं ऐसे ही निकालूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी पूरी दोस्तों फंटी निकल के तैयार हो सकती हो गई दोस्तों, आप देख सकते हो पूरे प्लास्टर के अंदर हमने अच्छे तरीके से दोस्तों फंटी निकाल दी। अब दोस्तों ये जो छोटे बड़े गड्ढे हैं दोस्तों इसको मतलब कैसे मतलब हम इसको भरेंगे दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब जो छोटे बड़े गड्ढे दोस्तों उनको कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों हमारी दीवार काफी सूख चुकी है, तो हम इसके ऊपर दोस्तों पतला जो ढीला मसाला दोस्तों इस प्रकार से लगाएंगे, आपको आपको इस प्रकार से मसाला लगा देना दोस्तों इस प्रकार से, अगर आपकी दीवार ज्यादा सूख जाए दोस्तों तो आपको पतला मसाला बिल्कुल आप सगाई में देख सकते हो इस प्रकार से बिल्कुल पतला मसाला आपको इस प्रकार से लगाना, और आपको थोड़ा काम फास्ट करना दोस्तों इस प्रकार से करके उसे को यार टेका यहाँ पे इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसको गोल गोल आराम आराम से घुमाते जाइए, और थोड़ा इसको दबा के चलाइए दोस्तों इस प्रकार से दबा के चलाना है, और आराम आराम से इसको गोल गोल घुमाते जाना दोस्तों इस प्रकार से, रूसा चलाने में क्या दोस्तों रूसा तो कोई भी चला लेगा, लेकिन दोस्तों फंटी निकालना दोस्तों फंटी में हाथ जम गया दोस्तों तो आपका काम सारा रेडी हो जाएगा, आप फंटी में ध्यान देखिए, अगर आपका माल दोस्तों का फंटी में सही होगा ना दोस्तों तो आप जब कितना भी पास दोस्तों चलो कैसे भी चलाओ दोस्तों आपका माल मसाला बिल्कुल भी नहीं, तो आपको इस प्रकार से मसाला लगाना, लगाने के बाद आपको इस प्रकार से रूसे को इस प्रकार से गोल गोल घुमाते जाना, और अच्छे तरीके से दोस्तों काम को करते जाना इस प्रकार से, और वापस आपको मसाला लेना इस प्रकार से लगाया जहाँ पे गड्ढे होते हैं दोस्तों वहाँ पे आप इस माल को इस प्रकार से बैठा दीजिएगा आराम से, और फिर आपको इस यहाँ से रुसा स्टार्ट करना इस प्रकार से इसको गोल गोल घुमाते जाना, और आराम आराम से आपका प्लास्टर निकल जाएगा दोस्तों, अगर आपकी दीवार ज़्यादा सूख जाती है दोस्तों तो आपको गीले मसाले से निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी नॉलेजबल वीडियो एक से बढ़कर एक वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, बस आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, कितनी मेहनत करता हूं दोस्तों आपको कितने अच्छे तरीके से मैंने समझाया कि फंटी कैसे निकालते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आउटडोर प्लास्टर दोस्तों इसमें मुझे बहुत फास्ट तरीके से दोस्तों काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी दीवार सूख रही है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और मैं प्लास्टर को निकालता हूँ दोस्तों, तो अगली वीडियो की स्टूडियो में मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।